नामहरम को बगल में बिठा कर क्या कहता है, ये मेरा भाई है, पहला तो डूब के मरो, इंसान नहीं हो हैवान हो, हैवान सब रिश्ते भूल जाता है, अपना हकी शोहर जल्द से जल्द उसके गर्दन में जो है ना कानून का फंदा पड़ने वाला है। दोस्तों वेलकम बैक, उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों गुलाम हैदर अपने चैनल पर लाइव आए, लाइव आकर उन्होंने सीमा सचिन एपी सिंह को लेकर बातें की दोस्तों, और सीमा के गले में कानून का फंदा बहुत जल्द जो है पड़ने वाला है दोस्तों, ये शब्द भी जो है गुलाम हैदर ने इस वीडियो में बोले। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुलाम हैदर के साथ ना इंसाफी हुई है, ना जायज हुआ है। एक भगोड़ी औरत ने उसके 4 बच्चे चुरा कर इंडिया में घुसी है, यानी आप सब जानते हैं रघुपुरा में है, अय्याशी कर रही है। तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस गरीब बाप को इंसाफ मिल सके। दोस्तों अपना काम है दोस्तों आवाज़ उठाना, बाकी काम जो है वो तो कानूनी कार्रवाई के तौर पे ही होगा दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि जो है गुलाम हैदर को इंसाफ दिया जाए और गुलाम हैदर के बच्चे जो है वापस किए जाए। ये भगोड़ी कहीं भी रहे कहीं भी मरे, इससे कोई मतलब नहीं। तो मेरे दोस्तों देखिए गुलाम हैदर ने क्या फरियाद लगाई और क्या बोला इस वीडियो में, सुनिए दोस्तों। अभी क्या कह रहे हैं, मैं इनको मुस्तकबिल दूंगा, इनको लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा। सीमा हरगिज़ भी नहीं, अच्छी माँ नहीं हो तो बच्चों का क्या तहफ़ करोगे, कभी भी नहीं। यकीन ये दुनिया में इसको सिर्फ ढुमके लगाना नाच गाना लगाए, बच्चों के लिए वो मुखलिस नहीं है, अच्छी माँ नहीं है। आप एक खुद माँ या बहन बेटी अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि हाँ ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल अच्छा उठाता है, तो मेरी लाइफ में हमारी मुखलिस लोगों में कोई भी सवाल करे मैं उस बात को काटूंगा, मैं चुप रहूंगा। मगर हरगिज़ भी ऐसी बात नहीं है, वो मुखलिस बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये कह रहे आज मैं नाच के कमा रहा हूँ, ऐसे कल मेरे बच्चे भी नाच के कमाएंगे, इसे इसका सवाल गलत है बिल्कुल भी। इसका जो माइंड भरा गया है, गलत भूसा जो इसके अंदर इधर खोपड़ी में डाला गया, वो बिल्कुल भी जो है ना ग्रेट नहीं है। इस बातों में मैच नहीं करता, मैं अपने बच्चों के लिए हर वक्त आता हूँ, आप लोगों से मुखातिब होता हूँ। इंडिया गवर्नमेंट तो मोदी जी से योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ ताकि मेरे बच्चे छोटे हैं मासूम हैं, 10 साल के कम एज में हैं, वो खुद फैसला नहीं ले सकते। हिंदुस्तान में जबरन उनका धर्म पर क्या कहते हैं उनको चेंज करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मेहमान हैं, गलती से आकर बैठ गए, एक माँ उनका जो अक्ल का अंधा है, तो हिंदुस्तान के तमाम भाई बहन जो पूरे लोग हैं वो तो साथ दें ना, कम से कम इंसानियत का साथ दें, लोगों का साथ दें। ये मुल्कों को ना देखें कि पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान के साथ हैं, इंसानियत का साथ हमेशा देना चाहिए, जो गलत है गलत पे सवाल उठाना चाहिए। सीमा गलत है, गलत था गलत रहेगा, इनके अच्छे कोई भी बहन हिंदुस्तान से कहे कि अच्छी माँ बनकर अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि हाँ ये सही है, तो मेरे ख्याल में कोई बाशहूर गैरतमंद तालीम याफ्ता बहन कभी नहीं कहेगा कि हाँ सीमा ने किया जो ठीक किया। तो दुनिया कितने कितने उसने झूठ बोला गया, कितना झूठ आज तक वो बोल रहा है, आप लोगों के सामने है कि जब भी आता है एक झूठ के बुनियाद पे एक और नामहरम को बगल में बिठा कर क्या कहता है, ये मेरा भाई है, पहला तो डूब के मरो। कि जब अपने भाई को भाई नहीं बना सका तो गैर को कहाँ से आप भाई बनाओगे, अपना हकीकी शौहर को शौहर का दर्जा नहीं दे सका, इज्जत नहीं दे सका, तो तुम क्या कौन से जो अभी भी शर्म से कह रहे हो कि ये मेरी भाई है, तुमने वो रिश्ते खो दिए। आप इंसान हो हैवान हो, इंसान नहीं हो हैवान हो, हैवान सब रिश्ते भूल जाता है, अपना हकी शौहर माँ बहन भाई जब अपनों का नहीं हुआ तो गैरों का कहाँ होगा, पहले ये देखो ना। ये कभी भी नहीं है, ये सिर्फ पता नहीं क्या एक ढोंग किया जा रहा है, कब तक ढोंग का ये रचाएगा, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। लोग जान चुके हैं सीमा के पर्दाफाश हो चुका है, जल्द से जल्द उसके गर्दन में जो है ना कानून का फंदा पड़ने वाला है। यकीन माने मैं पुरसकून हूँ, मैं पूरे एतमाद में हूँ अदालतों पे, मुझे पूरा विश्वास है कभी भी ना हक नहीं करेंगे। एक बाप सामने चीखता चिल्लाता रोता बैठ कर अपने बच्चों की भीख मांग रहे हैं, अदालतों में मुझे पूरा विश्वास है अच्छे लॉयर हैं, अच्छे जज साहबान हैं, अच्छे कानून के किताब लोगों ने पढ़े हुए हैं,
मुझे जन तक नाम भी नहीं आएगा मुझे, क्योंकि मैं खुद तालीम कम है, तो बहुत सारे लोग हैं सोच से भी बाहर हैं, अच्छे लोग पढ़े हुए हैं, वो हमारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। आप उनको याद दिलाओ, आप बहुत सारे जो बहन भाई लिखे पढ़े हैं कमेंटों में, ज़रूर हर लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचाना हर भाई बहन का फ़र्ज़ है। मैं हर बार आता हूं, यही आवाज़ कहता हूं कि मैं नहीं हूं, मेरी आवाज़ आप बन सकते हो। हर माँ बहन भाई बेटी तालीम याफ्ता जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, जितना हो सके इस आवाज़ को आगे से आगे तक पहुँचाएँ, जिससे अच्छे इंसान के कानों तक पहुँचे, ताकि वो सीरियस होकर हमारी आवाज़ सुने। मुझे उस लोगों तक बात करना नहीं आता, मैं समझता हूँ क्या कहें। जिन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचना चाहिए मेरा नहीं पहुँच रहा, तो मुझे नहीं आता हुए तौर तरीके, या मेरे साथ कोई बगल में मेरे साथ कोई एडवोकेट बैठा हुआ है मुझे समझा हैदर आप ऐसी बातें करो, बिल्कुल भी नहीं। सीधा साधा सैंपल देसी लोग हैं, जो भी हैं जो बात करते हैं सीधा करते हैं। नहीं करना आता उसके लिए हम आज़रात कहते हैं कि कमेंटों में आप लोग हमारी आवाज़ आगे से आगे तक पहुंचा सकते हो, दुनिया तक हमें आप लोग पहुंचा सकते हो। वो बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, आप लोगों से मुखातिब होता हूँ, बात करता हूँ कि कुछ आज नहीं तो कुछ कल अच्छा होगा, यही बुनियाद पे डेली का सूरज तुलू होता है। तो एक उम्मीद बैठ के एक बाप आप लोगों से एक इल्तिजा करता है, हर वक्त जैसे सुबह का सूरज तुलू होने से पहले एक उम्मीद करके बैठता हूँ कि तमाम भाई बहन कहीं इंडिया से, पाकिस्तान से, दुबई से, यूरोप से और दूसरे कंट्रियों में होते हैं बहुत सारे अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से हमारी हेल्प होगा ताकि हमारे बच्चे जल्द से जल्द वापस आएंगे। हर वक्त मैं एक ही से लिए आता हूँ कि आप लोगों से मैं बात करता हूँ, अपने फैमिली समझ के एक उम्मीद लेकर आप लोगों के साथ मैं जुड़ता हूँ, बैठ के बात करते हैं। हैदर किस लिए आता है भाई, हैदर क्यों नहीं आए, आपको कौन सी जलन होता है? मैं ना डिस्को करता हूँ, ना डांस करता हूँ, ना गलत करता हूँ, ना मैं बातों को चढ़ा फिरा के करता हूँ, ना मैं डायलॉग बोलता हूँ। अपना हक और सच की सीधा साधा सैंपल लफ्ज़ों में मैं आप लोगों से बयान करता हूँ। तकलीफ आपको पता है किस लोगों को होता है, आपको पता है कौन कौन है वो लोग? एपी सिंह है, नेत्रपाल है, सजन है, सजन का बाप है, उनकी माएँ बहनें बेटियाँ, एक फैमिली को बहुत तकलीफ होता है मेरे आने से, आपको पता है ना। हर वक्त आके मैं बात करता हूँ ना, वो उनको बहुत तकलीफ होता है। उनको मैं शीशा दिखाता हूँ तो उनका चेहरा खराब है, शीशे से उनको तकलीफ होता है, इस वजह से वो मुझे सुन नहीं पाते, मुझे बर्दाश्त